आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मामला 5,48,857 पहुंच गया है। वहीं 19,906 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 410 नई मौतें हुई हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,485 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में रविवार को 32 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2823 हो गई है। वहीं नैनीताल जिले में कोरोना पॉजिटिव 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है और देहरादून में भी कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2823, जबकि स्वस्थ जो हैं वो 2018 स्वस्थ हैं, जबकि 749 केस एक्टिव हैं। और वहीं मौतों का आंकड़ा बढ़कर के 38 हो गया है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 176 हो गई है, बागेश्वर में 81, चमोली में 73, चंपावत में 54, देहरादून में 677, हरिद्वार में 313, नैनीताल में 468, पौड़ी गढ़वाल में 141, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 416, उधमसिंह नगर में 229, उत्तरकाशी में 64। तो इस प्रकार से टोटल मामले 2823 पहुंच गए हैं। और वहीं खबर आई रुड़की से, जहां पर रुड़की में नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ी गई है। एसी लॉक की 7 लाख टैबलेट बरामद हुई है। तो दिल्ली से आई विजिलेंस टीम ने राज्य के अफसरों के साथ छापा मारा है, 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो देहरादून और हरिद्वार औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने पुलिस को साथ लेकर के सलेमपुर में चल रही नकली दवा फैक्ट्री में छापा मारकर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। फैक्ट्री में एसी लॉग की 7 लाख नकली टैबलेट, प्रिंटिंग मशीन समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है। वहीं टीम ने सभी सामान को कब्जे में लेकर के फैक्ट्री को सील कर दिया है। औषधि नियंत्रण विभाग की तहरीर पर पुलिस ने सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया है। तो मन की बात में प्रधानमंत्री बोले, भारत मित्रता निभाना जानता है और जवाब देना भी। तो आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोर देकर कहा कि भारत ने लद्दाख में अपनी भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है, लेकिन यदि कोई उसकी भूमि पर आंख उठाकर देखता है तो वह इसका उचित जवाब देने में भी सक्षम है। औसत खबर आई है, 3 जिलों में भारी बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने देहरादून सहित 3 जिलों में 30 जून को भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। तो मौसम विज्ञान की केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 29 जून को नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 30 जून और 1 जुलाई को पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून जिले में मध्यम स्तर तक बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि 30 जून को देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। और ऐसी खबर आई है, चारधाम यात्रा के लिए आज जो है वो गाइडलाइन जारी हो जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार काफ़ी उपायों के बाद आखिरकार 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने को तैयार हो गई है। इसके लिए सोमवार को गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के CEO रविनाथ रमन ने इसे लेकर के रविवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी राज्य के भीतर लोगों को ही यात्रा की मंजूरी दी जाएगी। वहीं खबर आई है, दून के बाजारों में साप्ताहिक बंदी कराना बड़ी चुनौती है, क्योंकि देहरादून के बाजारों में साप्ताहिक अवकाश लागू करना आसान नहीं। खासकर पल्टन बाजार क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी कभी नजर नहीं आती, हालांकि इसके लिए दिन तय हैं। अब दोबारा लॉकडाउन से पहले की तरह छूट मिलने के बाद साप्ताहिक बंदी को लागू करना प्रशासन के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होते हैं, जैसे अगर बात करें रविवार को तो पल्टन बाजार, धामवाला, मोती बाजार, हनुमान चौक ये सब बंद रहते हैं। वहीं सोमवार को प्रेमनगर गड़ीकेंट बंद रहता है, जबकि बुधवार को डोईवाला, सेलाकोई, गुरुवार को ऋषिकेश, शनिवार को विकास नगर और इंदिरा मार्केट जो है वो महीने की अंतिम बुधवार को बंद रहता है। और इस खबर आई है, देहरादून में टमाटर की कीमत हफ्ते में 2 गुने हो गए हैं। तो दून की फुटकर सब्जी मंडी में अन्य सब्जियों को छोड़कर टमाटर की कीमत में तेजी आई है। एक हफ्ते पहले जो टमाटर 20 रुपये किलो बिक रहा था, वही रविवार को 40 रुपये किलो हो गया है। और इस खबर आई है, रजिस्ट्री की कॉपी लेने की फीस भी बढ़ा दी गई है। तो उत्तराखंड में रजिस्ट्री की कॉपी यानी जो सर्टिफाइड नकल है जारी करने की फीस 6 गुना से ज़्यादा महंगी कर दी गई है। और वहीं खबर आई है, चीन सीमा की सड़कों के लिए 340 करोड़ रुपए को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ नैनीताल में सबसे बड़ी दूरबीन लगेगी। तो अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में जल्द नैनीताल के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। मुक्तेश्वर स्थित देव स्थल में एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है।
और वहीं खबर है ये कॉलेजों में शैक्षिक सत्र की शुरुआत दो चरणों में होगी, तो डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत दो चरणों में हो सकती है। यूजी और पीजी प्रथम वर्ष में के प्रवेश में संभावित देरी के चलते उच्च शिक्षा विभाग अगस्त से स्नातक स्तर पर इंटरमीडिएट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करवाने की तैयारी कर रहा है। और वहीं खबर आई है स्कूल ना खुले तो ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई, तो नए शैक्षिक सत्र में स्कूलों के विधिवत खुलने तक ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई जारी रहेगी। औसत खबर आई है केंद्रीय विद्यालय को लेकर केवी में एडमिशन को लेकर के असमंजस, तो प्रदेश भर में केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। और वहीं खबर आई है परीक्षा फीस वापसी को तैयार नहीं कॉलेज, तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध अशासकीय कॉलेज छात्रों को अतिरिक्त फीस परीक्षा फीस वापस करने को तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय ने फीस वापसी के लिए कॉलेजों को करीब 1.4 करोड़ रुपए की रकम वापस की हुई है, लेकिन 4 माह से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी सभी छात्रों को फीस वापस नहीं हो पाई है। और वहीं खबर है DBS कॉलेज में प्रायोगिक जो परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से होंगी, तो DBS PG कॉलेज में UG और PG की प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो 1 से 7 जुलाई तक होंगी। और वहीं खबर है व्यापारी जुलाई से SMS से भी कर सकेंगे रिटर्न फाइल, तो माल एवं सेवा कर यानी GST में करदाता व्यापारी अब SMS से भी तिमाही और मासिक GST R1 को रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये नई व्यवस्था जो है वो जुलाई से शुरू हो जाएगी। और रामनगर से खबर है जहाँ पे किशोरी ने पुलिस को फोन कर रुकवाई शादी, तो रामनगर के तेलीपुरा का मामला, पीड़ित किशोरी का पिता और दूल्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमक के पानी से गरारे वायरस से बचाएंगे, तो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता का दावा, तो कोरोना का इलाज पता करने में जुटे वैज्ञानिक का कहना है कि नमक युक्त पानी से गरारा किया जाए तो वायरस से बचाव संभव है। वहीं बताया गया है कि वायरस के लिए जहर है नमक, तो प्रोफेसर अजीत का कहना है कि वायरस जब नमक के संपर्क में आता है तो नमक उसके लिए जहर का काम करता है। नमक पानी से शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता सक्रिय होती है और श्वास नलिका में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता वायरस को पहचान खत्म करना शुरू कर देती है। वहीं शोधकर्ता का कहना है कि नमक युक्त पानी से गरारा किया जाए तो खांसी और सर्दी जुकाम में 2 दिन के भीतर राहत मिल सकती है। और इस खबर आई है 20,000 युवाओं को बाइक देगी सरकार, तो धन सिंह रावत ने कहा है, तो स्वरोजगार योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र से जोड़ेगी सरकार। तो खबर आई है राज्य सरकार 20,000 युवाओं को स्वरोजगार योजना के तहत मोटरसाइकिल उपलब्ध करा करके उन्हें पर्यटन क्षेत्र में जोड़ेगी। इसके अलावा डेयरी क्षेत्र में भी स्वरोजगार की अपार संभावना है, यह कहना है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। वहीं खबर आई है देहरादून से जहां पर पत्नी और परिचित पर हत्या का मुकदमा दर्ज, तो अनीस की मौत का मामला, मां की गुहार पर कब्र से निकाला गया था शव, तो अनीस की मौत के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके एक परिचित पर हत्या के संदेह में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने के बाद विसरा सुरक्षित रखकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर खबर आई है। वहीं आज बाजार में आज से रौनक, मंदिर मॉल रहेंगे बंद। वहीं अनलॉक के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पाने लगा है, घूमने के शौकीन घर से निकलने लगे हैं। कुछ ऐसे ही लोग रविवार को सहस्त्रधारा में लुत्फ उठाने पहुंचे। और वहीं खबर आई है PF से पैसा निकालने को 2 दिन शेष, तो कोरोना महामारी के बीच पैसे की किल्लतें से जूझ रहे PF खाताधारकों के लिए COVID-19 योजना के तहत पैसा निकालने का मौका है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी करें, अब सिर्फ 2 दिन का समय शेष है। योजना का लाभ 30 जून तक ही उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से निकालना है, इसकी यहाँ पर वेबसाइट भी दी गई है। और इस खबर आई है रिजल्ट के लिए 25 जुलाई तक करें इंतजार, तो सिरदेव सुमन से संबद्ध कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 47,000 छात्राओं को 5 माह से परीक्षा परिणाम जानने का बेसब्री से इंतजार है। परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को अब 25 जुलाई का इंतजार करना होगा। और वहीं खबर आई है अंतिम सेमेस्टर में शामिल होंगे 85,000 छात्र, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने UG स्नातक और PG परस्नातक की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में लगभग 85,000 परीक्षार्थी के शामिल होने की संभावना जताई है। और वहीं खबर आई है अब हिमालयन हॉस्पिटल में भी कोरोना की जांच होगी, तो अब जॉलीग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल में भी कोरोना संक्रमण की जांच होगी। वहीं दून में 5 इलाकों से पाबंदी हटा दी गई है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारियों ने जारी किए हैं आदेश।
वहीं देहरादून से खबर है जहां पे बुजुर्गों तक राशन दवा पहुंचा रही है पुलिस। गढ़वाल से खबर है जहां पे बद्रीनाथ हाईवे पर 50 मीटर हिस्सा जो है वो धंस गया है, तो ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत चल रहा था काम, कुछ ही समय पहले किया गया था रोड का अलाइनमेंट। तो वहीं घाट नंदप्रयाग मार्ग पर भी लग रहा है जाम, तो घाट नंदप्रयाग और घाट कुरुण मार्ग के किनारे इन दिनों रिलायंस जियो की ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछ रही है, जिससे इन सड़कों पर आए दिनों जाम लग रहा है। और वहीं खबर आई है मानसून से मुसीबत खड़ी करेगा औजरी डबरकोट भूस्खलन जोन, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे ट्रक हाई में गिरा है, चालक की मौत, क्लीनर समेत 3 घायल हो गए हैं। तो बीते शनिवार रात्रि को रुद्रप्रयाग चोपता पोखरी मोटर मार्ग पर घिमतोली के समीप ट्रक अनियंत्रित होकर के खाई में गिरा, हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और इसी साथ टिड्डी दल के हमले की आशंका कोटद्वार को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं खबर है कर्णप्रयाग गोपेश्वर से जहां पे बुजुर्ग किसान दंपति ने बंजर जमीन पर उगाई जड़ी बूटियां। और वहीं खबर है कंटेनमेंट जोन से बाहर हुआ क्यूलागी गांव, तो नई टिहरी थोलदार ब्लॉक का क्यूलागी गांव कंटेनमेंट जोन से बाहर हो गया। इसी साथ खबर है मानकों का उल्लंघन, खनन कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है। तो खबर है कोटद्वार से जहां पे खो ग्वालगढ़ और सुखरो नदी में मानक के अनुसार काम न करने पर खनन कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है। और वहीं खबर आई है नई टिहरी से जहां पे श्रमिकों की कमी से लटका सुरकंडा देवी रोपवे का काम, तो कद्दू खाल से सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए निर्माणाधीन रोपवे का कछुए गति से चल रही निर्माण पर डीएम मंगलेश घिंडियाल ने नाराजगी जताई है। और इसी के साथ कोटद्वार से खबर आई है जहां पे नशे के खिलाफ निकाली साइकिल रैली, तो पुलिस ने लोगों को दुष्प्रभाव की जानकारी से जागरूक किया है। और इस खबर आई है सतपाल महाराज और पत्नी कोरोना संक्रमण से मुक्त, तो निजी पैथोलॉजी लैब में सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, तो एक सप्ताह पहले एम्स से छुट्टी मिलने के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किए गए थे महाराज। और वहीं कोटद्वार खबर आई जहां पे सवारियों का राहटोटा थमे रहे चक्के, तो श्रीनगर रोड पर 5 और धुमाकोट में 6 सवारियों को लेकर के बसें पहुंची हैं। नई टिहरी से खबर है जहां पे 40 लाख से होगा डामीकरण, तो जाखणीधार ब्लॉक के खस्ता हाल कंडीखाल डीपर टिपरी मार्ग पर डामरीकरण का काम जो है वो शुरू हो गया है। वहीं हरिद्वार रुकी से खबर है जहां पे वेतन लेने आए ट्रक ड्राइवर को बनाया बंधक, सुबह पंखे से लटका मिला शव, तो खबर आई है हरिद्वार से जहां पे ट्रांसपोर्ट कार्यालय में बकाया वेतन लेने पहुंचे ट्रक ड्राइवर को ड्राइवर की बंधक बनाए जाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि ट्रक ड्राइवर ने शनिवार देर रात ही जबरन बंधक बना करके रखने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी, लेकिन सिडकुल पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। रविवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची तो ड्राइवर का शव ट्रांसपोर्ट कार्यालय में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही ट्रांसपोर्ट कार्यालय के मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ खबर आई रुड़की से जहां पे 4 नेटवर्क आप तक पहुंचा रहे थे चौक से बनी दवा, तो औद्योगिक क्षेत्र की आड़ में यहां 50 से अधिक नकली दवा फैक्ट्रियों के संचालन के इनपुट, तो क्षेत्र में एक के बाद एक पकड़ी जा रही नकली दवाओं की फैक्ट्री की फेर रिश्ती काफ़ी लंबी है। औद्योगिक क्षेत्र की आड़ में 50 से अधिक और नकली दवा फैक्ट्रियों के संचालन का इनपुट विजिलेंस को मिला है, तो ये लोग जो हैं वो चौक और मिट्टी से तैयार कर रहे थे दवा। और इसी के साथ खबर आई रुड़की से जहां पे आत्मदाह की चेतावनी देने वाली महिला पहुंची दून, तो पुलिस के फूले हाथ पांव, रविवार को सुबह दून से गिरफ्तारी, तो बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में इंसाफ नहीं मिलने पर सचिवालय के सामने आत्मदाह की चेतावनी करने वाली महिला अपना मोबाइल बंद कर अचानक लापता हो गई। महिला के लापता होने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए, इसकी तलाश में पुलिस इधर उधर दौड़ती रही। इस बीच मोबाइल की लोकेशन देहरादून में मिली तो SP देहात, CO इंस्पेक्टर पुलिस पहुंचे, जहां महिला के मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं लखसर से खबर आई है जहां पे बियर बार खोलने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। खबर आई है सुल्तानपुर लखसर से जहां पे ग्रामीणों की मौत पर कोतवाली में हंगामा किया गया, तो भीम आर्मी ने ग्रामीणों के साथ कोतवाली पहुंचकर हत्या का लगाया आरोप।
इसी के साथ खानपुर से खबर है जहां पे भाई बहन के बीच हाथापाई रोकने के दौरान मां की मौत हो गई है। तो खानपुर से खबर है जहां पे पंखे के लिए भाई बहन के बीच हो रही हाथापाई रोकने के लिए रोकने की कोशिश में बुजुर्ग मां की गिर करके मौत हो गई। और खबर आई है हरिद्वार से जहां पे हरियाणा के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। तो उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में कार पार्क करने को लेकर के विवाद हुआ, इसमें हरियाणा के कुछ लोगों को व्यापारियों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। वहीं रुड़की से खबर है जहां पे सैलानियों पर हमला किया गया, कार भी तोड़फोड़ की गई है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पहली बार नहीं होगा देवीधुरा का बग्वाल मेला। तो मां बराही धाम देवीधुरा में इस बार लोग बग्वाल के रोमांच के साक्षी नहीं बन सकेंगे। हर साल बग्वाल रक्षाबंधन के दिन खेली जाती है और इस बार 3 अगस्त को होनी थी, पर कोरोना के खतरे के मद्देनज़र न बग्वाल खेली जाएगी और न ही बग्वाल मेला लगेगा। खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे पिकअप नदी में समाई है, चालक की मौत हो गई है, दो की हालत गंभीर है। तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की ओर आ रही पिकअप घाट क्षेत्र में बोतड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में पिथौरागढ़ निवासी पिकअप चालक की मौत हो गई। और वहीं खबर आई है 34 माह से बंद है काम, कैसे मजबूत होगी सरहद की सुरक्षा। तो नेपाल सीमा से लगे टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग का मामला है। और इसी के साथ खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे युवक ने किशोरी से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार कर लिया है। तो नगर के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी जाने को मिला सिर्फ एक यात्री, चौथे दिन भी नहीं चली बसें। वहीं मुनस्यारी में तैयार हुआ देश का पहला लाइकेन गार्डन। तो अगर आपको पहाड़ों में पाए जाने वाले लाइकेन झूला घास को देखना है या उसकी गहनता जानकारी लेनी है तो वन अनुसंधान केंद्र ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में इसके लिए देश का पहला लाइकेन गार्डन तैयार किया है। 1.5 एकड़ में फैले इस गार्डन में लाइकेन की 80 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे मलबे से 14 घंटे तक बंद रही चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख सड़क। पिथौरागढ़ से खबर आई जहाँ पे पिथौरागढ़ में 18 मकानों के कार्य मानकों के अनुरूप नहीं मिले। वहीं 9 वर्षीय कोरोना रोगी को आइसोलेशन के लिए 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तो चंपावत से खबर आई है। वहीं गंगोलीहाट से खबर आई है गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से जहाँ पे महंगाई बढ़ी तो कांग्रेसियों का पारा चढ़ा। गंगोलीहाट में कांग्रेसियों ने फूंका केंद्र और सरकार का पुतला। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में नाराजगी है। खबर है बागेश्वर से जहाँ पे पुणे से घर लौटे प्रवासी ने फांसी लगा करके जान दे दी है। तो काफली गैर तहसील में रेखोली गांव में 20 दिन पहले ही पुणे से गांव लौटे प्रवासी ने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। वहीं टनकपुर से खबर है जहाँ पे शारदा में 2 दिन ही होगा खनन, तो 30 जून की शाम बंद हो जाएंगे निकासी गेट। शनिवार को खनन बंद रहने से रविवार को भी हुई निकासी। और इस खबर आई हाई कोर्ट में के आदेश पर हो रही जांच 21 माह बाद भी अधूरी। तो मनरेगा योजना के तहत भिंगराना में 8 साल पहले 1,17,00,000 रुपए की कार्यों में गड़बड़ी के आरोपों की जांच विशेष यानी SIT को सौंपने के 21 माह बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। और वहीं खबर आई है धारचूला से जहाँ पे 7 साल पहले आई आपदा की सूचना, धारचूला पहुँचाने में लग गए थे 4 दिन। तो 2013 में दारमा घाटी के 2 लोगों ने 4 दिन लगातार पैदल चलकर पहुँचाई थी सूचना। तो संचार सुविधा नहीं होने से वर्ष 2013 में आई आपदा की खबर धारचूला तक पहुँचाने में 4 दिन लग गए थे। और वहीं खबर है बागेश्वर से जहां पे बागेश्वर में 3,000 प्रवासियों की काउंसलिंग शुरू हुई। तो जिलाधिकारी रंजना राज गुरु के निर्देश पर क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों की काउंसलिंग की जा रही है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो खबर आई है पंतनगर से जहां पे पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है अपने ही छात्रों का उत्पीड़न। अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रपत्र तो लौटा रहे लेकिन किताबें कपड़े और बिस्तर देने से इनकार कर दिया है। वहीं बाजपुर से खबर आई जहां पे सरकार को जनता ने आईना दिखाया है, ग्रामीण ने बन्ना खेड़ा बेल पड़ाव मार्ग पर धान की रोपाई कर रोष जताया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सड़कों पर इस प्रकार से धान लगाया गया है। वहीं खबर आई है जसपुर से जहां पे गर्भवती की मौत, कोरोना जांच के बाद किया अंतिम संस्कार। तो दिन में सूचना मिलने पर पुलिस ने परिजनों को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया था। रुद्रपुर में सैंपल की ट्रूनेट मशीन से जांच की गई।
और वहीं खबर है रुद्रपुर रोडवेज डिपो के 3 दिन में सिर्फ 74,000 की आय। तो कोरोना महामारी की महामारी का असर रोडवेज बसों में भी नजर आ रहा है। कोरोना के डर से रोडवेज बसों में कम लोग सफर कर रहे हैं। रविवार को चौथे भी रुद्रपुर से रोडवेज बसों में बहुत कम लोगों ने यात्रा की। वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे तेंदुए ने फार्म के 2 पालतू कुत्तों को बनाया निवाला दहशत है। इसी के साथ खबर है काशीपुर से, जहाँ पे पति और पति की मौत के मामले में पत्नी और बेटी पर केस दर्ज किया गया, तो 23 जून को हुई थी रामनाथ सिंह की संदिग्ध हालत में मौत। तो खबर आई है काशीपुर से। वहीं डीजल के दाम बढ़ने से चौपट हुआ ट्रांसपोर्ट का काम। और इसी के साथ रुद्रपुर से खबर आई है, जहां पे दुल्हन करती रही इंतजार, दहेज नहीं मिलने पर नहीं आई बारात। तो युवती ने महिला हेल्पलाइन के साथ ही कोतवाली में भी तहरीर दी है। इसी के साथ खबर आई है खटीमा से, जहां पे खटीमा में दहेज के 3 मामले सामने आए हैं, इसमें 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और काशीपुर से खबर है, जहाँ पे महिला का पर्स लूटने के मामले में 3 पर केस किया गया है। वहीं गृह कलेश के चलते युवक ने खुदकुशी की है। तो जसपुर से खबर आई है, और खबर आई है कॉपियां जांचने के से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरे शिक्षक। तो जिले में बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का दूसरा चरण शुरू हो गया है।